हेलो दोस्तों एक्स यू वी थ्री डबल ओ जब से 2018 से लॉन्च हुई है उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है तो इन द व्यू ऑफ सब्सक्राइबर्स डिमांड आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया द्वारा नई एक्स यू वी थ्री का एक रेंडर मॉडल बनाया गया है तो वीडियो इन्जॉय कीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट लुक की तो फ्रंट में इसमें आपको नया प्रोजेक्टर एल ई का सेटअप मिलेगा एंड डी आर एल्स भी अब न्यू पोजिशन में सेटअप होंगे और साथ में इसमें महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रीन मिलेगी एंड साथ में आपको स्पोर्टियर बम्पर मिलेगा जो और इस गाड़ी के एश्यूस लुक को इंक्रीज़ करेगा एंड साथ में आपको लाइट्स भी अब एल होने वाली हैं पहले ये सेटअप हेलोजन आया करता था अब चलिए बात करते हैं साइड लुक की तो साइड में महिंद्रा आपको फिर से अब सेवनटीन इंच के डायमंड कट एलाइवल्स प्रोवाइड कर सकता है इस गाड़ी की सेल को बूस्ट करने के लिए एंड बात करें इसके डायमेंशन की तो डायमेंशन में नो चेंज होंगे लेंथ आपको सब फोर मीटर की गाड़ी उतनी ही मिलेगी वहीं पे वृथ की बात करें तो अठारह सौ mm की व्रथ मिलती है एंड हाइट की बात करें तो सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एम एम की आपको हाइट मिलती है एंड वहीं पे व्हील बेस की बात करें तो छब्बीस सौ एम एम की आपको व्हील बेस मिलती है दोस्तों अब चलिए दोस्तों बात करते हैं रियर लुक की तो रियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं सबसे पहले इसमें अब आप आपको नया शेप का एलईडी ई डी मिलेंगे जो इस गाड़ी के एचूबिश लुक को और इंक्रीज़ करेगा एंड साथ में वाइपर डिफॉगर तो आपको मिलता ही है एंड साथ में फ़ोर पॉइंट रियर पार्किंग सेंसर जो आपको मीन्स बेस मॉडल से मिलते हैं एंड साथ में आपको नीचे सिल्वर कलर की स्पोर्टी बम्पर मिलेगी साथ में स्कीट प्लेट भी एंड रिफ्लेक्टर तो आपको महिंद्रा प्रोवाइड करेगी ही एंड चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की तो इंटीरियर अब पूरा नया होने वाले है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको टेन इंच की हाइड्रॉक्स कनेक्ट के साथ महिंद्रा का न्यू यू के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो इस कार के कनेक्टेड फीचर्स को और इंक्रीज करेगा जैसा हमने एक्स यू वी सेवन में देखा क्योंकि स्टॉप वेरिएंट का दोस्तों प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं तो महिंद्रा कुछ फीचर अब इस कार में प्रोवाइड करेगी अच्छी बात करें तो इसमें आपको सनरूफ तो मिलेंगे ही पर वो मोनोई सनरूफ रहेगा एंड एड्रोनोक्स कनेक्ट के साथ आप उसे खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं कमांड दे अब चलिए बात करते हैं दोस्तों रियर स्पेस की तो रियर स्पेस तो गाड़ी में छब्बीस सौ एम का है भरपूर मिलता है एंड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा भी है एंड बात करें तो इसमें आपको रेयर एस्टिवेंट भी कंपनी प्रोवाइड करेगी एंड साथ में आपको थ्री पॉइंट हेड रेस्ट मिलेगा ही एंड दोस्तों बात करें इस गाड़ी के बूट स्पेस की तो बूट स्पेस तो आपको थोड़ी सेगमेंट से कम ही मिलती है दोस्तों क्योंकि इसकी व्हील बेस ज़्यादा है अंदर में आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है पर फेसलिफ्ट में तो बूट स्पेस में चेंजेस नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि गाड़ी की डायमेंशनस नहीं चेंज होती है एंड वहीं पर बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अब आपको 190 नाइनटी एम एम का मिलने जा रहा है कुछ महिंद्रा सस्पेंशन ट्यून करके इसका ग्राउंड क्लियरेंस को और इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि अब शुभी गाड़ी है तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस एक मेन मैटर रहेगा इस गाड़ी के सेल को और बूस्ट करने के लिए एंड बात करें दोस्तों इंजन की तो इंजन में इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल तो मिलता है या साथ में 1.5 लीटर टर्बो डीजल मिलता है जो पावर निकालती है 115 सौ की एंड साथ में टॉर्क निकालती है थ्री एन थ्री हंड्रेड एन एम का एंड बात करें टॉर्क की तो ये थ्री हंड्रेड एन एम का टॉर्क निकालता है जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि क्रेटा वगैरह गाड़ी जो इससे एक सेगमेंट ऊपर है उस गाड़ी में आपको इतनी इंजन में पावर मिलती है गाड़ी चलाने में तो बहुत स्वाद आता है दोस्तों इसका डीजल इंजन बात करें तो महिंद्रा ने हाल ही स्पोर्ट्स वर्जन भी इसका लॉन्च किया है पेट्रोल वो भी काफ़ी मीन्स आप पंजा जैसे दबाते हैं गाड़ी एकदम से भागती है वो भी काफ़ी सही है वहीं पे बात करें माइलेज की तो माइलेज इसमें आपको 19.7 लीटर का डीजल में मिलेगा एंड पेट्रोल में आपको थोड़ा कम माइलेज मिलता है लगभग 18 का आपको के एम पी एल की माइलेज मिलती है एंड बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम के तो दो, दोस्तों चारों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जो काफ़ी सही चीज़ है एंड बात करें सेफ्टी की तो सेफ्टी तो सब कोई जानता है ये फाइव स्टार रेटेड गाड़ी है दोस्तों एंड सिक्स एयरबैग हो सकता है कंपनी बेस्ट मॉडल से प्रोवाइड कर दे ये इंडियन ब्रांड सेफ्टी में बहुत ध्यान देती है पर कोरियन बैंड्स उतनी सेफ्टी में नहीं ध्यान देती है सो थम्स अप फॉर महिंद्रा सेफ्टी क्योंकि इस गाड़ी की बहुत अच्छी है दोस्तों सो यही था दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया रेंडर इमेज दोस्तों ये सिर्फ हमने अपना एडजप्शन से बनाया एक्चुअल गाड़ी डिफरेंट हो सकती है सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग